का मैथ जो हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर टू के ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पेपर के लिए, तकरीबन हर साल इस इन दोनों में से एक आता है। अब इसमें जो लॉजिक है जो आपने समझनी है वो क्या है कि इसमें हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स दोनों के छोड़ के अंदर। अच्छा, जब आप डी वाई बाई डी एक्स इसमें से फाइंड करेंगे ना, तो इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है, जब आपके पास x नीचे दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब है आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, मतलब हम इस क्वेश्चन को डिफरेंट जो वैल्यू आपकी नीचे होती है उसी के मुताबिक हमने डिफरेंशिएट करना है। हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके अंदर और बाकी डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है, अगर आपका ये पेपर में वो चेंज करके दे देते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा डिफरेंस है, हमने इसको लेना है। अब जिसके तहत आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, जिसके तहत का मतलब होता है जो नीचे होता है, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो उस वक्त जिसके तहत आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वही उसकी पावर हो। देखें एक्स प्लस वन और वही उसकी पावर है, हमने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स के और वही उसकी पावर आ जाती है, तो ये डिफरेंस होगा। यहाँ पे सेम देखें, वही हमने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स ऊपर भी मान हो रहा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर जिस के तहत आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी के वही उसकी पावर भी हो, तो वो क्वेश्चन डेरिवेटिव में हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से सॉल्व करते हैं। उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम उसको पहले क्या करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन होगा उसका डेरिवेटिव लेने से पहले हम टेकिंग लॉग बोथ साइड पहले ये प्रोसेस करेंगे, हम उस क्वेश्चन का दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे। तो ये आ जाएगा लॉग वाई और यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वन और इसकी पावर आ जाएगी एक्स। फिर हम लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो उस पे यूज करेंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी नाइन्थ क्लास में छोटी क्लास में आपने पढ़ी, क्या होता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ लॉग ए की पावर एक्स, तो ये जो पावर होती है इसको हम स्टार्ट में लिखते हैं, मतलब एक्स आपका स्टार्ट में आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा लॉग ए। अब इसमें से हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखिए पावर इसके ऊपर आ रही है, इस पावर को हम स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा लॉग फाइव और ये आ जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन आ जाएगा आपको। ठीक है, जब आप इसकी लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है वो हमारा किस जगह के ऊपर आ जाएगा, इस जगह के ऊपर आ जाएगा, आपने वहां से इसको नहीं करना। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स और लॉग एक्स प्लस वन आ जाएगा। जी हमने लॉग का डेरिवेटिव पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो वन बाई एक्स होता है, यहाँ पे हम जब इसका लेंगे तो वन बाई एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा, और दोबारा डेरिवेटिव किसका लेते हैं हम लॉग के साथ जो होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y का डेरिवेटिव dy dx। नेक्स्ट जब करेंगे आप देखिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो जब प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे फर्स्ट एज इट इज और d by dx आ जाएगा सेकंड, तो सेकंड क्या है x plus 1 plus सेकंड एज इट इज और d by dx आ जाएगा फर्स्ट आपका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x as it is लिखेंगे, आगे आ गया log x, तो log x का डेरिवेटिव आ गया 1 by x, यानी 1 by x से मुराद ये वैल्यू होती है x plus 1। आप देखिए जब भी log का लेते हैं तो हम इसका दोबारा लेते हैं, जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्लस log into x plus 1 हो गया और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, इस साइड पे हमारे पास आ रहा है d by dx is equal to, देखें y यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, हम उस साइड पे लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y into x x plus 1 और प्लस आ जाएगा log into x plus 1 आ गया। ये समझ आया सर की बात? यस, यहाँ पे देखे ना ये वाई डिवाइड हो रहा है उधर लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई होगा, बाकी एक्स मल्टीप्लाई वन एज इट इज लिख लेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दोबारा वाई की वैल्यू लगा देंगे,
एक क्वेश्चन में हमारे पास होगी। तो ये मान लीजिए हम यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारे पास x का समान पावर x आ जाएगी, और इसको आप बेशक यहाँ पे एलसीएम इसका ले लें तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x का समान और यहाँ पे आ जाएगा x, और इसको आप मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वन और log x प्लस वन। ये आप इसको यहाँ तक भी रख लेंगे तो आपका ठीक है, अगर आप इसको यहाँ तक भी रख लेते हैं तो ये आपका फिर भी ठीक है। इस तरह आपने जो है इसको सॉल्व करना।